नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 11 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखें, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि ए स्कूल अवार्डेड 42 मेडल्स इन हॉकी। कह रहा है कि कोई स्कूल है जो 42 मेडल हॉकी वाले को अवार्ड करता है, देता है। 18 इन बास्केटबॉल और 18 जो है मतलब बास्केटबॉल वाले को देता है एंड 23 क्रिकेट वाले को देता है। इफ दीज मेडल्स वेयर बैग्ड बाय ए टोटल ऑफ 65 स्टूडेंट। कह रहा है कि ये जो मेडल जो है तो टोटल कितने स्टूडेंट को देता है, 65 स्टूडेंट को देता है, टोटल स्टूडेंट है। जिसमें कह रहा है ओनली फोर ऐसे स्टूडेंट है गॉट मेडल्स इन ऑल थ्री स्पोर्ट्स। जो फोर ऐसे स्टूडेंट है, यहाँ पे फोर ऐसे स्टूडेंट है जो कह रहा है कि तीनों स्पोर्ट्स में जो है मतलब मेडल प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा है, फोर स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन ऑल थ्री स्पोर्ट्स। कह रहा है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स। क्या कह रहा है कि तब बताए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स में मेडल को प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए अच्छा से कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन। देखिए कह रहा है कि 42 मेडल जो है हॉकी वाले को देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ हॉकी कितना हो जाएगा 42 कॉमा। अब देखिए यहाँ पे बास्केट वाले को कितना देते हैं, देखिए 18 जो है मतलब बास्केट वाले को देते हैं, बास्केटबॉल वाले को। देखेंगे नंबर ऑफ बी फॉर बास्केटबॉल, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। एंड आगे देखिए कॉमा, और कह रहा है कि क्रिकेट वाले कितने देते हैं, तो नंबर ऑफ सी हम लोगों को दिया गया है 23 दिया गया है। ये थ्री इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग मिल गया। नंबर ऑफ एच यानी कि नंबर ऑफ हॉकी कितने प्लेयर को मिलते हैं, हॉकी के प्लेयर कितने हैं 42, बास्केटबॉल के कितने 18 और क्रिकेट के कितने हैं 23। ओके अब इसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 65 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, यूनियन हो गया। लिखेंगे नंबर ऑफ, देखिए हॉकी यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट, ये कितना दिया गया 65 दिया गया। इसके बाद देखिए और कह रहा है कि फोर ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको तीनों स्पोर्ट्स में जो है सो मेडल मिलता है, तो तीनों स्पोर्ट में मेडल मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन का बात कर रहा है, सब में मिल रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि इंटरसेक्शन का बात कर रहा है यहाँ पे। एंड नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी फॉर बास्केटबॉल इंटरसेक्शन सी, ये कितना दिया गया 4 दिया गया। ओके ये आप लोग समझ में आ गया, कह रहा है कि कितने फोर ऐसे स्टूडेंट है जिसको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिलता है, यानी कि तीनों में कॉमन होगा, कितना हो गया 4 हो गया। और उन्होंने कह रहा फाइंड करने के लिए कि कह रहा है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव्स मेडल इन एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे हॉकी है, बास्केटबॉल है और ये है, क्रिकेट है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसको दो एग्जैक्टली दो मेडल मिलेंगे। तो देखिए जैसे चाहे इसको हॉकी एंड बास्केटबॉल मिल जाएगा, या बास्केटबॉल या क्रिकेट मिल जाएगा, या हॉकी या क्रिकेट मिल सकता है, हॉकी और क्रिकेट मिल जाएगा। तो देखिए ये मिलेगा एंड ये मिलेगा, तो एंड जब लगेगा इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग को फाइंड करना है, देखिए नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी, ये हम लोग को फाइंड करने के लिए कह रहा है। दोस्तों फिर से यहां समझिए, जैसे कह रहा है कि ऐसे कितने प्लेयर हैं जिसको एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स में मेडल मिलेगा, तो ये मिल सकता है एंड ये मिल सकता है, तो इसीलिए नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी हो गया यहाँ पे। फिर प्लस ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये मिलेगा एंड ये मिलेगा, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ सी, फिर प्लस और नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एसी, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला दिया गया है बुक में पेज नंबर 38 में। ये देखिए वी नो दैट देखिए हम लोग को दिया गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, ये दिया गया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी, फिर है माइनस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ओके, इसको सी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ए बी सी है और हम लोग क्या है यहां पे एच बी और सी है। ओके, इसको हम लोग क्या करें, रिप्लेस कर देंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, देखिए यहां पर हम लोग को रिप्लेस करना है। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए के जगह सिर्फ हम लोग को एच रखना है, बी तो बी ही है, सी तो सी ही है, तो ए के जगह हम लोग क्या करेंगे, एच रख देंगे। सब पुट कर दीजिए यहां पे, देखिए सिर्फ ए के जगह पे यहां एच कीजिए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एच यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी। अब दोस्तों देखिए, हम लोग को जो वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकाल, देखिए नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी, इसी का तो वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखिए हम लोग को इसी का तो वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव है, इसको हम क्या करते हैं लेफ्ट में ले आते हैं, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा, ये तीनों देखिए यहाँ माइनस का साइन, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस सारा हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये ब्रैकेट है। ओके, माइनस से पहले माइनस के बाद यहाँ पे क्या ब्रैकेट है, इस माइनस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ये क्या चाहिए माइनस, इधर आएगा क्या चाहिए प्लस हो जाएगा, ये फाइनली यही टर्म आ जाएगा। देखिए ये और ये, क्योंकि माइनस है इधर तो लेफ्ट में तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, देखिए ये पहले लिखेंगे ये फिर ये और ये लाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, फिर यहाँ प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, ये वाला राइट साइड में जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, नंबर ऑफ एच यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसे आगे नेक्स्ट पेज में, देखिए पिछला पेज हम ये वैल्यू आया था नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी प्लस सॉरी नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन बी यूनियन सी। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, देखिए इसका वैल्यू तो हम लोग निकालना ही है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ एच, देखिए नंबर ऑफ एच का वैल्यू कितना 42 है, पुट कर दीजिए 42 प्लस नंबर ऑफ बी 18 प्लस नंबर ऑफ सी यानी कि 23 फिर प्लस देखिए नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक इसका वैल्यू कितना 4 है, यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, फिर माइनस ये हो जाएगा नंबर ऑफ एच यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एच यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू कितना है 65। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 42 प्लस 18 प्लस देखिए 23 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 27 माइनस 65। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 और 8 15 और 2 17 2 और 1 3 4 7 और 1 8 माइनस 65।
इसको सॉल्व कर ले, 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों को, 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना इसका आंसर आ जाएगा 22। लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना 22। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 22 हु गेट या हु गॉट एग्जैक्टली हु गॉट एग्जैक्टली टू मेडल्स ऑफ थ्री स्पोर्ट्स। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।